हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक टॉपिक का नाम है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि फाइनल में इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से सिक्स विकेट से हार गया ठीक है तो मैं आपको आज इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ आई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 थाउजेंड ट्वेंटी इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आई पुरुष क्रिकेट विश्व कप दो है इसका खिताब किसने जीता है राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू को जीत लिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप क्राउन बाई डिफीटिंग इंडिया बाई सिक्स विकेट्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच द ऑस्ट्रेलियन टीम वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल फॉर सिक्स टाइम 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023 फिर इसमें यह बोला गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इसने भारत को छः विकेट से हराया है और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है इसने छः बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल है वो जीता है कब कब बार 1987 में फर्स्ट टाइम 1999 में सेकेंड टाइम 2003 में थर्ड टाइम 2007 में फोर्थ टाइम 2015 में फिफ्थ टाइम एंड 2023 में सिक्स टाइम आईसीसी वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है ना और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो टाइटल मिला है वो मिला है विराट कोहली का ठीक है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल मैच वो मिला है ट्रेविस हेड को जो कि है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नाव नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज होस्टेड द आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आई सी सी पुरुष क्रिकेट विश्व कप दो हजार तेईस की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया हमारे कंट्री इंडिया ने फ्रेंड्स होस्ट किया है आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को डिटेल में अगर हम समझें फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट हिस्ट्री द एंटायर वर्ल्ड कप हैज बिन प्लेड इन इंडिया Earlier, इंडिया हैड jointly होस्टेड द ODI Cricket World क्रिकेट वर्ल्ड कप इन and 2011. सेवन एंड टू फिर इसमें यह बोला गया है कि क्रिकेट के इतिहास में ना पहली बार जो है एंटायर वर्ल्ड कप है यानी कि पूरा विश्व कप जो है वो इंडिया में प्ले हुआ है और इससे पहले 1987, 1996 एंड 2011 में जो विश्व कप हुआ था उसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने ना ज्वाइंटली होस्ट किया था ठीक है इवेंट इन टू जो इवेंट हुआ है 2023 में वो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक हुआ है मतलब जो पहला मैच है वो 5 अक्टूबर को हुआ है एंड फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला गया है अ टोटल ऑफ 48 एट मैचेस हैव बिन प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप इस वर्ल्ड कप में टोटल मिला के फोर्टी खेले गए हैं नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच एडिशन ऑफ द मेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो हजार तेईस में जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है इसका कौन सा एडिशन यानी कि संस्करण आयोजित हुआ है राइट आंसर इज ऑप्शन बी थर्टींथ यह आपने ध्यान रखना है और टूर्नामेंट का फॉर्मेट कैसा था राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मनी कंट्रीज है पार्टिसपेटेड इन दी आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है इसमें कितने देश शामिल हुए हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेन ये आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें कि टेन कंट्री कौन कौन सी है तो हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स टोटल मिला के टेन कंट्री जो है ये पार्टिसिपेट कर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्रिकेट वर्ल्ड कप टू में ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैट्समैन हैज कोड द मोस्ट रन इन 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 द आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फ्रेंड्स जो आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है इसमें किस प्लेयर ने सर्वाधिक रन यानी कि मोस्ट रन बनाए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली विराट कोहली आप सभी को पता है इंडियन क्रिकेटर हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा रन मारे हैं आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में विराट कोहली हलीज क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड कप रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन बाई स्कोरिंग सेवन सिक्सटी फाइव रन इन इलेवन मैचेस मतलब इन्होंने इलेवन मैचेस में सेवन सिक्सटी फाइव रन बनाए हैं जो कि फैन सबसे ज्यादा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम कैप्टन हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट रन इन एनी वन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है फ्रेंड किसी एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कैप्टन कौन बन गए हैं राइट आंसर इज ऑप्शन ए रोहित शर्मा आप सभी को पता है कि इंडियन टीम के कैप्टन यही थे ठीक है और इन्होंने ही ये मतलब रिकॉर्ड बनाया है रिकॉर्ड क्या बनाया है स्कोर्ड मोस्ट रन इन एनी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अगर हम डिटेल में समझें रोहित शर्मा है स्कोर अ टोटल ऑफ 597 रन्स इन 11 मैचेस ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच इज़ द विच इज द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट रन्स मेड बाय एनी कैप्टन इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री ना वन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट इन द आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हुआ है इसमें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट किसे मिला है राइट आंसर इज ऑप्शन ए विराट कोहली फ्रेंड्स ये आप फोटो से भी देख के समझ सकते हो कि विराट कोहली को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम डिटेल में समझें कोहली स्कोर्स 765 सिक्सटी फाइव रन विद विध हिज़ बैट इन इलेवन इनिंग्स एट एन एवरेज ऑफ नाइन्टी फाइव पॉइंट सिक्स टू दिस इज़ आल्सो द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन स्कोर्ड बाई एनी प्लेयर इन एनी एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार हैंस विराट कोहली गॉट द गॉट द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट इसमें यह बोला गया कि भाई जो कोहली है इन्होंने एलेवन पारियों में नाइन्टी फाइव पॉइंट सिक्स टू के औसत से 765 रन बनाए हैं और ये वर्ल्ड कप के अभी तक के किसी भी संस्करण में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है नाव नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैजेक द मोस्ट विकेट इन दईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है इसमें सर्वाधिक विकेट यानी कि मोस्ट विकेट किस प्लेयर ने लिए हैं राइट right आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मोहम्मद शामी मोहम्मद शामी ने मैक्सिमम विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में मोहम्मद शामी वाज द लीडिंग विकेट टेकर इन द 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ओ डी आई वर्ल्ड कप विथ ट्वेंटी फोर विकेट्स मतलब इन्होंने ट्वेंटी फोर विकेट्स लिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं Now नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रिकेट टीम डिड did पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फोर्टी एट ईयर ऑफ ओ डी आई वर्ल्ड कप हिस्ट्री इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस क्रिकेट टीम ने फोर्टी अड़तालीस साल के वनडे विश्व कप इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज यह आपने ध्यान रखना है वेस्ट इंडीज टीम मिस्ड क्वालिफिकेशन फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया ड्यू टू पोअर परफॉर्मेंस इन द आई सी सी ओ डी आई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नावर नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ब्लेज एंड टोंक ब्लेज एंड टोंक जो है फंड सी आई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल मैस्कॉट था ये आपको ध्यान रखना है ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड बाई आई सी सी एज ग्लोबल एम्बेसडर फॉर मैं आई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है इसमें किसे ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है राइट आंसर इज ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो फोटो में सचिन तेंदुलकर ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द ब्रेंड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए शाहरुख खान याद रखना है शाहरुख खान जो हैं ये ब्रांड एम्बेसडर थे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दोनों क्वेश्चन का आपने अलग अलग समझना है कि यहाँ पे वही थी बात ग्लोबल एम्बेसडर की ठीक है वो थे कौन सचिन तेंदुलकर और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे वो थे शाहरुख खान नाउवर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हेज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड टू बी आउट अंडर द टाइम आउट रूल इन दिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप एग्जाम के लिए राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंजिलो मैथ्यूज़ एंजिलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं ये टाइम आउट रूल से आउट होने वाले फर्स्ट प्लेयर बने हैं ये है इनकी फोटो डिटेल में अगर हम समझें इन द रूल्स मेड बाय आईसीसी, टाइम आउट इज टाइप ऑफ आउट अकॉर्डिंग टू आईसीसी, द बैट्समैन हैज टू कम टू प्ले द नेक्स्ट बॉल विद इन थ्री मिनट्स आफ्टर द फॉल ऑफ द विकेट इन दिस वर्ल्ड कप दिस टाइम हैज बीन फिक्सड एट टू मिनट्स इसमें यह बोला गया है फ्रेंड्स, ये जो आई ये ये जो नियम है ना, टाइम आउट का ये आईसीसी ने ही बनाया है और इसे एक प्रकार का आउट माना जाता है आईसीसी के अनुसार विकेट गिरने के बाद तीन मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली अगली गेंद खेलने के लिए आना आना होता है और इस विश्व कप में यह समय दो मिनट निर्धारित किया गया है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेडियम हैज द फाइनल है वो किस स्टेडियम में खेला गया राइट आंसर इज ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है ये अहमदाबाद में ना वर नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैज कैप्टन द इंडियन टीम इन दैन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में बोला गया है की जो इंडिया के कैप्टन कौन थे इस टूर्नामेंट में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा डिटेल में फ्रेंड्स अगर हम समझें तो मैं आपको सभी टीमों का कैप्टन बता देता हूं ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे पैट क्यूमेंस इंग्लैंड टीम के कैप्टन जॉस बटलर या फोटो में देख रहे हो नीदरलैंड टीम के कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स नेक्स्ट है न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है केन विलियमसन पाकिस्तान टीम के कैप्टन है बाबर आजम बांग्लादेश टीम के कैप्टन हैं शकीब अल हसन साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन हैं टेम्बा बाबूमा श्रीलंका टीम के कैप्टन हैं कुशल मैंडिस और अफगानिस्तान टीम के कैप्टन हैं हशमतुल्ला शाहिदी ये आपने ध्यान रखना है ना वर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी अमाउंट हैज़ द विनिंग टीम रिसीव्ड इन द आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है इसमें विनर टीम को कितनी राशि मिली है राइट आंसर इज ऑप्शन सी अप्रॉक्सीमेटली थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री करोड़ ये आपने ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं रनर अप टीम को कितना मिला है टू मिलियन डॉलर्स यानी कि सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फाइव करोड़ नावर नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी हैज रिलीज द एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले ऑफ ओ डी आई वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच म्यूजिशियन हैज कंपोज दिस सॉन्ग राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रीतम चक्रवर्ती प्रीतम चक्रवर्ती ने फ्रेंड इस सॉन्ग को कंजूम कम्पोज किया है सॉन्ग का नाम क्या है दिल जश्न बोले जो कि फ्रेंड्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का क्या था एंथम सॉन्ग था नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेडियम हैज द स्टेचू ऑफ ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बीन अनवील डूरिंग द मैं आई वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टेडियम कहां पर है ये मुंबई में नेक्स्ट है हमारा हुम द बैट्समैन हू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी एंड डबल सेंचुरी इन द मैंस ओ डी आई क्रिकेट वर्ल्ड कप राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लैन मैक्सवेल याद रखना है आपको ग्लैन मैक्सवेल ने फ्रेंड्स जो ग्लैन मैक्सवेल हैं इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी एंड डबल सेंचुरी माना है मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में और फास्टेस्ट सेंचुरी जो है फ्रेंड्स इन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट मारा है फोर्टी एट बॉल में और फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन्होंने मारा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी एट बॉल्स में

और फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी ई e बुक्स है इंग्लिश मीडियम है जीके की करंट अफेयर्स की उसकी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पी डी एफ डॉट कॉम इस वेबसाइट पर विजिट करके आप हमारी जो ई e बुक है जी के की एंड ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स की वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी स्टेडियम्स इन इंडिया होस्टेड द आई सी सी ओ डी आई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेन डिटेल में हम समझते हैं फ्रेंड्स ये टेन स्टेडियम के नाम अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है न्यू दिल्ली में वानखड़े स्टेडियम मुंबई यहाँ पर भी खेला गया है उसके बाद है मुथैया अन्ना मलाई चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है चेन्नई में नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद ईडन गार्डन कोलकाता एम इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे नेक्स्ट है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद इन सभी स्टेडियम में फ्रेंड्स खेला गया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नावर नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल पार्टनर कंपनी ऑफ आईसीसी मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन ए मास्टर कार्ड ये आपको ध्यान रखना है नावर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रिकेट वनडे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी के एल राहुल ये आपको ध्यान रखना है द इंडियन रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इज इन दी ने एल राहुल के एल राहुल सेंचुरी थ्री फर्स्ट बैट्समैन इन दर्ल्ड टू स्कोर सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट बाई ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर राइट आंसर इज ऑप्शन ए विराट कोहली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने यानी कि 50 सेंचुरी लगाने वाले वर्ल्ड के फर्स्ट प्लेयर कौन बन गए हैं विराट कोहली बन गए हैं अगर मैं आपको टेबल से समझाऊं कि जो मैक्सिमम सेंचुरी का रिकॉर्ड है ना ठीक है वो है सचिन तेंदुलकर के नाम हंड्रेड सेंचुरी इन्होंने मारी हुई है विराट कोहली ने टोटल एट्टी और इक्की पाउटी टोटल सेवेंटी वन जिसमें से कि किसान सचिन तेंदुलकर ने ना ओडीआई में फोर्टी नाइन मारे थे इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है विराट कोहली ने फिफ्टी सेंचुरी मारकर नाव नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक सेवन विकेट्स इन द मैच इन द मैंस ओ डी आई क्रिकेट वर्ल्ड कप इस क्वेश्चन में बोला गया है पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में एक मैच में सात विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोहम्मद शमी ये आपको ध्यान रखना है इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी हैज मेड दिस रिकॉर्ड बाय टेकिंग सेवन विकेट्स फॉर फिफ्टी सेवन रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल मैच ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द बैट्समैन हु हैज हिट द मोस्ट सिक्स इन द मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इस क्वेश्चन में बोला गया है पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी रोहित शर्मा रोहित शर्मा हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ वेट इंडीज़ बैट्समैन क्रिस गेल रिकॉर्ड ऑफ़ 49 सिक्सेस बाय हिटिंग 51 सिक्सेस इन in 27 सेवन इनिंग्स ऑफ 27 मैचेस ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इस क्वेश्चन में इसमें ये बताया गया है पैराग्राफ में कि जो रोहित शर्मा है इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में 27 मैचों की 27 पारियों में इक्यावन छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के 49 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है

इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें मोहम्मद शमी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड लेजेंडरी बॉलर माइकल स्टार्क इन इन दिस मैटर मोहम्मद शमी हैज़ मेड अ रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग फाइव विकेट्स इन एन इनिंग फॉर द फोर्थ टाइम इन दन डे वर्ल्ड कप इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मोहम्मद शमी हैं इन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिशेल स्टॉक को पीछे छोड़ दिया है मोहम्मद शमी ने एक दिवसीय क्रिकेट कप में चौथी बार चौथी बार एक पारी में पाँच पाँच विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है यह आपने ध्यान रखना है नाउ नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आई सी सी हैज़ टर्मिनेटेड द आई सी सी मेम्बरशिप ऑफ विच कंट्री विद इमीडिएट इफेक्ट ड्यूरिंग द ओ डी आई वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वनडे वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के दौरान आई सी सी ने किस देश की आई सी सी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है राइट right आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी श्रीलंका यह आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर 500 हंड्रेड रन एंड ट्वेंटी कैचेज इन अ सिंगल एडिशन ऑफ मैंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इस क्वेश्चन में बोला गया कि पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के एक ही संस्करण में 500 सौ रन और बीस कैच करने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए है? right D, हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्योनटोन डी कॉक जो कि हैं साउथ अफ्रीका के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच ईयर वाज़ द द फर्स्ट मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित हुआ था सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1975 में डिटेल में अगर हम समझें द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज़ हेल्ड इन इंग्लैंड इन जून जून नाइनटीन फाइव दिस वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय वेस्ट इंडीज वहीं अगर हम बात करें फ़र्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1973 विनर कौन था इंग्लैंड की टीम नाउवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच हेयर डिड इंडिया विन द मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नाइनटीन एट्टी थ्री भारत ने पहली बार जो मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये पहली बार जीता था नाइनटीन एट्टी थ्री में डिटेल में अगर हम समझें तो रनर अप कौन थे वेस्ट इंडीज़ की टीम वेन्यू था इंग्लैंड और कैप्टन कौन थे इंडियन टीम के कपिल देव नौ नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर हाउ मेनी ईयर इज दी आई सी सी मैंस ओ डी आई वर्ल्ड कप प्लेड राइट आंसर इज ऑप्शन बी वंस इन फोर ईयर्स मतलब जो आई सी सी पुरुष वनडे विश्व कप होता है ये फोर ईयर्स के बाद खेला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच टीम हैज वन द मैंस ओ डी आई क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम डिस्कस करें ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द मेन्स ओडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल सिक्स टाइम फर्स्ट टाइम 1987 में 1999 में सेकंड टाइम 2003 में थर्ड टाइम 2007 में फोर्थ टाइम 2015 में फिफ्थ टाइम और 2023 में सिक्स टाइम टूटल सिक्स टाइम जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जो कि मैक्सिमम है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ मैंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये बोला गया है कि कि 2019 में जो पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप था उसका खिताब किसने जीता था राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड की टीम ने ये आपने ध्यान रखना है रनरअप था इसमें न्यूजीलैंड और वेन्यू कहाँ पे था इसका इंग्लैंड एंड वेल्स में एडिशन था ट्वेल्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर द ऑफ कैप्टनसीच प्लेयर डिड इंडिया विन द मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 क्वेश्चन में बोला गया है कि 2011 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम इंडिया के कैप्टन कौन थे राइट आंसर इज ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी ये आपने ध्यान रखना है होस्ट कंट्री थी इसमें इंडिया श्रीलंका एंड बांग्लादेश एडिशन था ये टेंथ और रनर अप था इसमें श्रीलंका Now नेक्स्ट क्वेश्चन question: प्लेयर player द मोस्ट the इन runs in men's ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ओ क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मैक्सिमम रन किस प्लेयर ने बनाए हैं राइट आंसर इज ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर टू थाउजेंड इन फाइव ओडीआई वर्ल्ड कप ये आपने ध्यान रखना है कि सचिन तेंदुलकर ने पांच वनडे वर्ल्ड कप में बनाए हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लग रही है आपको क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हु हैज हु इज द बॉलर विद द हाईएस्ट विकेट टेकर इन मैंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लेन मैग्राथ यह आपने ध्यान रखना और ये ऑस्ट्रेलिया टीम के हैं Australia's great Glenn McGrath has taken maximum 71 wickets in 39 बैट्समैन टू स्कोर मोस्ट सेंचुरीज इन मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री राइट आंसर इज ऑप्शन ए रोहित शर्मा रोहित शर्मा हैज स्कोर मैक्सिमम 7 सेंचुरीज इन ट्वेंटी मैचेस ये आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन में ये बोला गया था ना फ्रेंड्स कि पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है मतलब मैक्सिमम हंड्रेड बनाने वाले प्लेयर कौन है तो राइट right आंसर था रोहित शर्मा और इन्होंने टोटल सेवन सेंचुरीज मारी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लेयर टू द फर्स्ट हैट्रिक इन दैनस ओ डी आई क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वेश्चन में बोला गया है कि पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लिया था राइट आंसर इज ऑप्शन बी चेतन शर्मा यह आपने ध्यान रखना है चेतन शर्मा अचीव द फीट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 1987 मतलब चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1987 में उपलब्धि हासिल की थी मोहम्मद शमी इज द सेकंड इंडियन बॉलर टू तो टेक अ हैट्रिक इन दैनस ओडीआई कप अगेंस्ट अफगानिस्तान इन 2019 मतलब फर्स्ट टाइम तो चेतन शर्मा ने हैट्रिक लिया है सेकेंड टाइम लिया है मोहम्मद शमी ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर इज ऑप्शन बी आईसी

क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है मैंने आपको बताया था फोर इयर्स की ड्यूरेशन पे खेला जाता है ठीक है 2023 के बाद 2027 में खेला जाएगा तो इसका राइट right आंसर क्या होगा कि टू में कहाँ पर होगा साउथ अफ्रीका नामीबिया एंड जिम्बावे इन थ्री कंट्री में खेला जाएगा टू का मैंस ओ क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो होस्ट कंट्री होगी वो होगी इंडिया एंड बांग्लादेश ये भी आपको ध्यान रखना है नाउवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम वॉन द वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ये आपने ध्यान रखना है कि जो वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द वुमेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डेट इज़ एट टाइम्स होस्ट कंट्री थी 2022 में न्यूजीलैंड रनर अप था इंग्लैंड और वहीं अगर हम बात करें कि जो वुमेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 वाला है ये इंडिया में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैज़ द विश्व कप दो हजार तेईस का खिताब किसने जीता है राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं रनर अप था इसमें इंग्लैंड वेन्यू था साउथ अफ्रीका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हु वॉन द आई सी सी मैंस अंडर नाइनटीन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आई सी सी पुरुष अंडर नाइन्टीन एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप दो हज़ार बाईस है इसका खिताब किसने जीता है अंडर नाइनटीन की बात हो रही है फ्रेंड्स ये ठीक है राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया ठीक है डिटेल में अगर हम समझें तो रनर अप था इसमें इंग्लैंड वेन्यू था एंटीगुआ वेस्ट इंडीज़ का सिटी है ये और एडिशन था फोरटीनथ फ्रेंड्स अब आपके टू क्वेश्चन का टेस्ट आ गया आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है तो क्वेश्चन है विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फोर ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फोर ऑप्शन है दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी वीडियो का कॉन्टेंट और पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट